हिंदुस्तान के जंगल का राजा जितना खूबसूरत है और शक्तिशाली है, उसके दुश्मन भी उतने ही ज्यादा हैं। जिंदा बाघ जंगल और जीवन के लिए यहां पर अनमोल है, तो इंसानों के लिए बाघ मुनाफा का भी आसान तरीका है। इंसान पैसों के लालच में टाइगर का शिकार करता रहा है और फिर उसके नाखून, हड्डियों और साथ ही चमड़े को बाजार में बेच देता है। यही वजह है कि यहां पर आज के दौर में टाइगरों की यहां पर अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा। हिंदुस्तान में सदियों से टाइगर शक्ति का प्रतीक है। आदि शक्ति का सवारी भी टाइगर ही है, लेकिन शक्ति के इस प्रतीक टाइगर को अपनी इस विशेषता की कीमत भी चुकानी पड़ी। इंसान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इस खूबसूरत जानवर का शिकार करने लगा। कभी एशिया के जंगलों में 1 लाख से भी ज्यादा हुआ करते थे और भारत की जैव विविधता में इनका बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन इंसानों ने पहले इन्हें अपने ठाट के लिए मारा, फिर अपनी आधुनिकता की चाह में इनके घरों को उजाड़ना शुरू किया। जंगल में टाइगर आबाद थे और टाइगरों के साथ जंगल दोनों का साथ एक दूसरे को खूब रास आ रहा था। जंगल के जीवन पर टाइगर का नियंत्रण था, लेकिन ये दौर तब तक ही चला जब तक जंगल की दुनिया पर इंसानों की नजर नहीं पड़ी थी। जैसे ही जंगल पर इंसानों की नजर पड़ी, जंगल में मातम फैल गया। जानवरों की चहल पहल से आबाद रहने वाला जंगल शिकारियों के शोर से बर्बाद होने लगा, जो कहानी आज तक जारी है। हिंदुस्तान में टाइगर के शिकार की कहानी अकबर के दौर से शुरू हुई थी। उन दिनों टाइगर का शिकार करना बहादुरी का काम था और यहीं से शुरू हुई टाइगरों की तबाही की कहानी। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ, तब अंग्रेज अधिकारी भारतीय राजाओं के साथ मिलकर टाइगर का शिकार बड़े पैमाने पर करते थे, जिनकी गवाह है उस दौर की ली गई तस्वीरें, जो जंगल पर इंसान के अत्याचार का सबूत है, जो बाघों पर इंसान द्वारा ढाए गए कहर की बेदर्द कहानी बयां करती है। उस दौर में राजा महाराजा और अंग्रेज अधिकारी एक दिन में 100 बाघों की एक दिन में जान ले लेते थे, वो भी सिर्फ अपने कुछ पल के आनंद के लिए।